भले ही चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन राजस्थान के आसमान में देश भर के तमाम बड़े नेता अगले कुछ दिनों तक उड़ते नजर आएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति पर जयपुर के आसमान में पतंगों की, जिसके लिए इस बार खास तौर पर नेताओं के कटआउट के साथ पतंग तैयार किए गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बाजार कुछ इसी तरह नेताओं के पोस्टर और पतंगों से पटे पड़े हैं। ये सब किसी चुनाव की तैयारियों को लेकर नहीं, बल्कि मकर संक्रांति को लेकर तैयार किए गए हैं। मकर संक्रांति पर इस बार आसमान में कई नेता भी हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। जयपुर के बाजार में इस बार भी खास तौर पर बनाई गई नेताओं वाली पतंगें काफी चर्चा में है। खास तौर पर बनाई गई इन पतंगों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का दबदबा कायम। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी पतंगों पर सवार होकर आकाश में जादूगरी दिखाने को तैयार है। क्योंकि इस बार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल, नवजोत सिंह सिद्धू, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और ओवैसी जैसे नेताओं की पतंग भी काफी डिमांड में है। पतंगबाजी अगर कहीं देखनी है तो राजस्थान की देखिए, और बाजार अगर देखना है तो हांडीपुरा चले आइए। लेकिन इस बाजार की एक खास बात और है जो जुड़ी है फिलहाल 5 राज्यों के चुनावों से। देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और वहाँ सियासी पारा गर्मा रहा है, लेकिन जयपुर के आसमान में वो तमाम नेता उड़ते हुए नजर आएंगे जो आज सियासी पारी उत्तर प्रदेश में खेल रहे हैं, पंजाब में खेल रहे हैं, गोवा में खेल रहे हैं, उत्तराखंड में खेल रहे हैं। और ये फिलहाल जो तस्वीर मेरे साथ देख रहे हैं, ये तमाम उन नेताओं की है, और आप पहचान भी रहे हो तमाम चेहरे, चाहे वो राजस्थान के नेताओं की बात कर लो, चाहे उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात कर लो। खास बात इसमें यह है कि इस बार औसुद्दीन ओवैसी को भी बड़ी जगह मिली है, अरविंद केजरीवाल को जगह मिली है, और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू भी नज़र आ रहे हैं, अखिलेश यादव दिख रहे हैं, अमित शाह दिख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, और ये तमाम इधर अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ आपको राजस्थान के चेहरे नज़र आएंगे। ये ममता बनर्जी भी हैं, चूँकि गफूर साहब अभी से नहीं, जब भी पतंगबाजी होती है तो गफूर साहब नेताओं को ज़रूर उड़ाते हैं आसमान में। इस बार क्या नया है, क्योंकि हर बार आप ये देखते हो सियासी नब्ज भी आप देख लेते हो कि सियासी नब्ज किसकी तरफ ज़्यादा जा रही है, तो आप ये भी ध्यान रखते हो ऐसा कि जो लोग जीत करके आते हैं मैं उनको खुशी से, मैं तो कोई मेरा ये नहीं है कि साहब हमारे बनाना कोई वो नहीं है, मैं अपनी मर्जी से बनाता हूँ और मेरा किसी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग खिलाड़ी जीत के आते हैं खिलाड़ियों को बनाता हूँ, जो राजनेता जीत कर जीतते हैं उनका मैं बनाता हूँ, चाहे मध्य प्रदेश के हों या बिहार के हों कहीं के भी हों। कोई पार्टी नहीं, सभी जो नेता हैं सबके नज़र आएंगे, कोई पार्टी का हो जाए, कोई भी पार्टी का, निष्पक्ष हूँ मैं, और निष्पक्ष जो खिलाड़ी नेता हो, कोई किसी कास्ट का कोई भी हो, सब मेरे लिए एक ही बराबर है। हालांकि पिछले 2 सालों से कोरोना और महंगाई के लगातार बढ़ने का असर अब पतंग बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अचानक मौसम की स्थिति के कारण पिछले साल की तुलना में पतंगें लगभग 40% महंगी बिकी। पेट्रोल, डीजल और जीएसटी के चलते भी पतंगों की कीमतें इस बार बढ़ गई हैं। लेकिन पतंग प्रेमियों के उत्साह में कमी नहीं है। अच्छा, आप भी लंबे समय से इंतजार करते हैं, और क्योंकि मकर संक्रांति की जयपुर की तो बहुत खास है। जी जी सर, मकर संक्रांति जयपुर की बहुत खास है, और ये काफ़ी साल से हम पतंग वगैरह खरीदते हैं, काफ़ी हुनरिस्ट हैं और काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वर्क करते हैं। इनका नाम गफूर पतंग वालों के नाम से ये फेमस हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके वर्क करते हैं, और समाज सेवा जो लोग करते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, ये सभी जितने भी अपने राष्ट्रपति वगैरह और जितने भी कटआउट बनाते हैं, पतंगें बनाते हैं, और पार्टियाँ आपको यहाँ दिख जाएंगी। हाँ, सारी पार्टियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, सारे इलेक्शनों का यहाँ पर। वैसे हकीकत यही है कि मकर संक्रांति पर एक दूसरे की पतंग काटने के लिए जयपुर वासी अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं। बच्चों के लिए भी खास तौर पर उनके मनपसंद कार्टून कैरेक्टर्स वाले पतंगों और छोटी डिजाइनर चरखी को खास तौर से पूरे बाजार में उतारा गया है। सरकार ने अचानक आदेश दिया, और आप लोग चूंकि उम्मीद थी इस बार कोरोना नहीं आएगा या खुला रहेगा मार्केट, तो माल शायद कुछ ज्यादा मंगा लिया पिछले साल की तुलना में, जिस तरह बाजार में दिख रहा है। तो वही जो लगता है पहले जैसा, ये पूरा पहले जैसा ही माल है। अब जैसे दुकानदार जैसे चलेगी, ग्राहक आएंगे जब भी माल बिकेगा, अभी ग्राहक बिल्कुल कम है। पहले जैसे जो पहले चलते थे ना बाजार के अंदर, जैसा रौनक, वो रौनक नहीं पहले जैसी कम है। मतलब आप जो बनाते हैं उसको देख रहे हो तो लोग खूब आ रहे हैं। हाँ, इसको देखने के लिए लोग खूब आ रहे हैं, खुश हो रहा हूँ बहुत कि आपने बहुत अच्छी पतंग बनाई है। चुनावी राज्यों में पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव में बेहद कम समय रह गया है, तो जयपुर में इस साल भी मकर संक्रांति के मौके पर आसमान को कुछ इस तरह के पतंगों से भरने की तैयारी है।
कि पतंगबाजी के साथ साथ गफूर देश की सियासी नब्ज भी जानते हैं। यही वजह है कि अब सबसे अधिक नेता उत्तर प्रदेश के नजर आ रहे हैं, और वो तमाम नेता जो पिछले साल नहीं थे, जिन्होंने अपना कद बनाया, वो भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर चूंकि देश भर की निगाहें टिकी उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव पर, तो उसका असर गफूर के द्वारा बनाए गए पतंगों में आपको साफ दिखाई दे रहा है। गफूर की पतंगबाजी में ये साफ देखने को मिलता है कि किस नेता का कद कब बढ़ रहा है, वो पतंगबाजी में साफ नजर आएगा। फिलहाल हम देखेंगे मकर संक्रांति पर किस तरह तमाम नेता काटों काटों की आवाज करेंगे। बड़ा क्रेज यहाँ देखने को मिलता है, वो काटो लेकर सियासत में कौन किसी की पतंग काटेगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।